देश और दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना बार बार सिर उठा रहा है, वह खतरे की घंटी बजा रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर बहुत सी वैक्सीन आ चुकी है, देश में लोगों को 2 वैक्सीन लग भी रही है। ऐसे में योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना वायरस की एक नई ही दवाई लॉन्च कर दी है, जिसका नाम दिव्य कोरोनिल टेबलेट है। यह वही दवा है जिस पर पहले विवाद हो गया था। पतंजलि का दावा है कि यह दवा WHO से सर्टिफाइड है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में इस दवा को लॉन्च किया गया है। पतंजलि का दावा है कि आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल टेबलेट को कोरोना की दवा के तौर पर स्वीकार कर लिया है। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बताया है कि इस दवा के मुख्य घटक अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, स्वसारी रस तथा अणु तेल है। पतंजलि का दावा है कि सैकड़ों कोरोना पॉजिटिव मरीजों को यह दवाइयां दी गई, इसका 100% रिजल्ट आया है। अब पतंजलि से जुड़े आचार्य बालकृष्ण ने आज तक से बात करते हुए बताया कि पहले हमें लाइसेंस इम्यूनिटी बूस्टर के लिए मिला था, लेकिन हमने अपने लाइसेंस को चेंज करा लिया है। अब आयुष मंत्रालय ने अप्रूवल दे दिया है। बाबा रामदेव ने कहा है कि अब इसे कोरोना की दवाई के रूप में लाइसेंस मिल गया है। आपको याद होगा, इससे पहले रामदेव ने जून 2020 में कोरोनिल लॉन्च की थी। इस दवा को कोरोना की दवा बताई गई थी, लेकिन लॉन्च होते ही कोरोनिल विवादों में आ गई थी। आयुष मंत्रालय ने भी इसे कोरोना की दवा के रूप में बेचने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद पतंजलि इसे कोरोना बूस्टर कहकर बेच रहा था।